जरी बदललेली असली तरी चिन्ह तेच आहे. मला रडायला नाही शिकवले, मला लढायला शिकवले. आगे निकलकर हम महाराष्ट्र के पुणे शहर में पहुंच चुके हैं. देश का ये प्रमुख आईटी हब है, महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर, सांस्कृतिक राजधानी से महाराष्ट्र का कहा जाता है. तमाम बड़े प्रमुख उद्योग यहीं पर हैं, तमाम आईटी कंपनियां यहां पर हैं. तो चुनावी मूड क्या है लोगों का, ये समझने हम आए हैं. राजनीतिक दल क्या कहते हैं. पुणे जिले में 4 लोकसभा सीटें आती हैं, पुणे, मावल, शिरूर और बारामती. टॉप पर है बारामती, सबसे ज्यादा चर्चा है क्योंकि ननद और भाभी की टक्कर है. सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार. नामांकन दाखिल करने के लिए दोनों ही गठबंधनों, सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता, बड़े नेता पुणे पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए. लेकिन इस बीच शक्ति प्रदर्शन हुआ. क्या है सियासी माहौल, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस चुनावी यात्रा में, क्योंकि पवार का गढ़ दांव पर है. ये पवार वर्सेस पवार है. आपला चिन्ह नेहमीच आहे तेज म्हणजे घड्या, आणि आपल्याला माहिती आहे वेळ जरी बदललेली असली तरी चिन्ह तेज आहे. घड्याला मत म्हणजे मोदींना मत, आणि मोदींना मत म्हणजे विकासाला मत. आम्ही दोघांनी पक्ष बदलला म्हणून चिन्ह नाही बदललेलं. आमचं चिन्ह का बदललंय तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. मग कोणीतरी म्हणलंय रडत बसतील. ओ, आम्ही शारदाबाई पवारांची नाते. मी माझ्या आजीनी कुठलीही परिस्थिती आली तरी मला रडायला नाही शिकवलंय, मला लढायला शिकवलेलंय. त्याच्यामुळे पूर्ण ताकदीने आम्ही लढू. हॉट सीट बारामती के लिए शक्ति प्रदर्शन के साथ ही ननद भाभी ने पर्चा भरा. दोनों गठबंधनों के बड़े चेहरे साथ रहे. एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सुप्रिया सुले कहती हैं कि परिवार में सब ठीक है, लड़ाई तो विचारधारा की है. मेरे लिए पहले देश, फिर राज्य, फिर पार्टी और उसके बाद फैमिली. पारिवारिक रिश्तों की बार बार जो सवाल उठ रहे हैं सुप्रिया मैम, वो भी हम एक बार वो फिर से वो सवाल पूछना चाहेंगे. लगातार आपका इस सवाल से सामना हो भी रहा है. आपके चचेरे भाई अजीत पवार, अन्नान के पास इतने भेंट होते आपके चचेरे भाई, बीजेपी एमएलए और हम देख भी रहे हैं किस तरह से आपकी मुलाकातें सुनेत्रा जी से भी हो रही है. और आपने कहा है कि वो आपकी माँ समान है. तो पारिवारिक उम्र में और रिश्ते में बहुत बड़ी है. अजीत पवार मेरे से 10 साल बड़े है, तो उम्र में और रिश्ते से दोनों मेरे से बहुत बड़े हैं. इस टूट के बाद सुप्रिया जी, क्या अजीत पवार से आपकी मन की बात हो पाई है, भले ही राजनीतिक तौर पे हम देखें आमने सामने एक तरफ रिश्ते एक तरफ हुई है, मन की बात हो पाई है, क्यों हुआ, क्यों किया? नहीं, मेरे ख्याल से मेरे लिए ये इलेक्शन मायने रखता है. इस देश में सूखा पड़ा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, और मैं देश की सेवा के लिए राजनीति में आई हूँ. बारामती 50 से ज्यादा सालों से शरद पवार का गढ़ रहा है. वहां से सुप्रिया सुले भी जीती, लेकिन इस गढ़ के सेनापति रहे अजीत पवार, जो अब पाला बदल चुके हैं. अब अपनी बहन के ही खिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में खड़ा कर दिया है. भाभी ननद का रिश्ता अब महायुति और महाविकास अघाड़ी के टकराव की शक्ल ले चुका है. लेकिन निवडून दिला तीन वेळा सुप्रियाला, आता सुनेला निवडून द्या. चुन के आने वाली है सुप्रिया ताई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े बड़े अच्छा मार्जिन से आने वाली है. फडणवीस जी ने कहा ये तो सीधी मोदी और राहुल की लड़ाई है. फडणवीस ने कुछ कहा उसको कोई मतलब नहीं है. जीतने वाले इंडिया अलायंस जीतने वाली है और यहाँ आघाड़ी जीतने वाली है. अजीत पवार जी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? क्या बयान? जो द्रौपदी वाले हमेशा अलग अलग बात करते है और ठीक से नहीं है, ऐसी बात करना भी ठीक नहीं है. पुणे जिले की 3 सीटें बारामती, पुणे और शिरूर से महाविकास अघाड़ी के तीनों उम्मीदवारों ने पर्चा भरा. लेकिन सुर्खियों में छाई रही बारामती सीट ही, क्योंकि यहीं से सबसे बड़ी भीड़ पुणे शहर में पहुंची. सियासी सूरत बदलने में देरी नहीं लगती और ये जमीन पर सच होता हुआ भी दिखता है, क्योंकि जिस बारामती गढ़ में शरद पवार को दशकों एनसीपी के सिपाही ने उन्हें पूजा, आज एनसीपी में विभाजन के बाद वो भी विभाजित हो चुके हैं.
कार्यवाही के तौर पे आप लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जमीन पर जाते हैं, मतदाताओं से बात करते हैं। अब तक आप लोग पवार साहब के नाम पर ही वोट मांगते आए थे, परिवार का जो भी सदस्य खड़ा हो, लेकिन अब परिवार ही परिवार के सामने है, ननद है, भाभी है, ये कितना उलझन भरा है आप लोगों के लिए और कैसे टक्कर है बारामती में? बारामती की टक्कर में अजीत दादा ने बहुत बारामती का विकास किया है। विकास के मुद्दे के ऊपर वो उनके धर्मपत्नी सुनेत्रा जी वहीनी पवार उनको निवड़ के आएंगे, वो 2 लाख के लीड से निवड़ के आ सकती है। लेकिन इतना सुले को कैसे भूल गए? शरद पवार 6 बार सांसद रहे, उनको जो शरद पवार है ना, हर घर में उसने झगड़ा लगाया है। मुंडे फैमिली देखो, मोहिते फैमिली देखो, पवार साहब कसवारी उदय राजे बस देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। शरद पवार की उम्र कितने हो गई, वो बुढ़े हो गए हैं। हाँ, वो उसका यही है करना और यही फेड़ना है। उसके आंखों के सामने सुप्रिया सुले का पराजय 1.5 लाख से मत से होगा। आप लोग कितने सालों से जुड़े हुए हैं? सबसे पुराने कार्यकर्ता आप जुड़े हुए हैं? 20 साल से। अचानक आप जब बारामती में हम पहुंचते थे तो पवार परिवार के लिए आप लोग कहते थे जो भी हो पवार परिवार हमारा है, तो आज वो परिवार में सदस्य कैसे बदल गए, चेहरे कैसे बदल गए? अभी भी हम पवार फैमिली को मतदान करेंगे, तो कहने की बात हो गई। लेकिन वो तो महाराज जिस विचारधारा के खिलाफ आप लोग आवाज उठा रहे थे, उस विचारधारा से हम पवार फैमिली के थे, अभी भी पवार फैमिली को भी मतदान करेंगे। अजीत दादा के साथ है, अजीत दादा का जो काम है, विकास हो रहा है बारामती में, डेवलपमेंट हो रहा है, वो आज किसका नहीं हो रहा है, इसलिए हम पूरे महाराष्ट्र में। सुनेत्रा पवार से क्या कनेक्शन है आप लोगों का जमीन पे? उन्होंने उनके काम को अगर देखे, क्योंकि कैंडिडेट की को देख के अगर लोग वोट कर रहे हैं, तो सुनेत्रा पवार का, सुनेत्रा पवार का इतना काम है, फोरम के माध्यम से उन्होंने टेक्सटाइल पार्क पास 6,000 महिला को काम दिया था, और फोरम के माध्यम से जो इन लोगों को दिखता नहीं था ना, उन्होंने उनका मुंह बहुत ऑपरेशन किया, नेत्र का। तो बताओ सांसद सुप्रिया सुले ने क्या किया बारामती में? सुप्रिया सुले ने कुछ नहीं किया 15 साल में। पवार साहब भी 4 बार मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उन्हें गांव के लोगों को पीने को पानी नहीं, रस्ते नहीं, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। अभी अजीत दादा ने पूरा डेवलपमेंट किया ये 20 साल में। पूरे महाराष्ट्र के बहुजन समाज नेता एक ही है, वो अजीत पवार। 18 पकड़ जाते का नेतृत्व करने वाले एक ही है, ये इसके तरफ। कितने सालों से जुड़े हुए हैं सर एनसीपी से? अजीत पवार मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके काम करने का जो तरीका है, ये पद्धत है, वो विकासात्मक पद्धत है। देखिए, आप सभी बारामती लोकसभा सीट से हैं, तो बारामती में क्या ननद या भाभी? भाभी आने वाली है, ननद तो नहीं आने वाली। महिलाओं के लिए बारामती में क्या? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है, महिलाओं के लिए जो है वो दादा ने किया है, इसलिए अभी सुनेत्रा वहीनी खासदार। और सुप्रिया सुले के इस दौरे में इंडिया अलायंस के कुछ कार्यकर्ता जो जमीनी तौर पर लोगों के पास जा रहे हैं, जिनका जनसंपर्क हो रहा है, उनसे भी हम बात करते हैं। जमीनी तौर पर आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से अगर हम पवार परिवार कहें या फिर ठाकरे फैमिली कहें, जो रूल करता आ रहा था महाराष्ट्र को, उनकी सियासत को, अब इस टूट के बाद हम बिल्कुल समीकरण बदले हुए देख रहे हैं। जमीन पर आप ही लोग जाते हैं, आप ही लोग वोटरों से मिलते हैं, क्या हवा देख रहे हैं, क्या कंफ्यूजन देख रहे हैं लोगों में कि हम वोट किसको करें, गुट जब इस तरह से टूट चुका है और परिवार ही परिवार के सामने? जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ सुप्रिया ताई की पहचान 15 साल से है, 15 साल से वो यहाँ पे सांसद है, उन्होंने लोगों के काम किए, उनका नाम जानते हैं, उनका चेहरा पहचानते हैं लोग, तो लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लोगों को सुप्रिया ताई को वोट करना है। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है या फिर परिवार टूटने की बात है, तो परिवार टूटने के बाद भी यहाँ पे महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स हुई है 2-2.5 साल से, उसमें पार्टियाँ टूटी है, नेता गए हैं फूट के, लेकिन केडर जो है वो केडर बेस वो वहाँ का वहाँ है। हम लोग लोगों में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, हमारा केडर जो है वो अपने स्थान पे मजबूत है, और इसी वजह से इस बार भी सुप्रिया ताई चुनाव में पहले से ज्यादा वोटों से चुन के आ रही है। आप कह रहे हैं वोटरों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई तरह की कंफ्यूजन नहीं कि आप लोग से पूछते नहीं है वो किस गुट के तरफ हो आप? नहीं नहीं, हमारा जो घर टूटा है, हम राष्ट्रवादी रहे या बाला साहब के अपने उद्धव साहब की शिवसेना रहे, ये दोनों भी का एक ये जो है परेशानी वो एक ही, और लोग अभी खाली वेट कर रहे, कभी वोट करके कभी और चुन के तो उतर ही आएगी। कार्यकर्ता हैं आप लोग, जमीन पर सिपाही आप ही लोग हैं, टूटी हुई पार्टी के लिए वोट मांगना कितना मुश्किल होता है जमीन पर आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं, सब ताई को वोट देने वाले, ताई बोली, उद्धव साहब ने बताया ताई को वोट करने के लिए, ताई को ही वोट करने का। क्या आप लोगों को जमीनी मुद्दे क्या दिख रहे हैं, चेहरे देखे लोग वोट करेंगे या मुद्दे? चेहरे नहीं, सुप्रिया ताई को वोट करेंगे। महाराष्ट्र राज्य में करीब 9 करोड़ मतदाता हैं। ऐसे में पुणे जिला अहम हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर मतदाता 82 लाख पुणे जिले में ही हैं। हमने बारामती सीट की चर्चा आपको दिखाई, सियासी हलचल दिखाई, लेकिन इस जिले के जो बाकी 3 सीट और हैं, पुणे, शिरूर और मावल, यहाँ पर भी लड़ाई दिलचस्प है।
पुणे जिले के चारों लोकसभा सीटों को समझें तो शिरूर और बारामती लोकसभा सीट में शरद पवार गुट अजीत पवार गुट के खिलाफ है, तो मावल में शिंदे गुट के खिलाफ शिवसेना का ठाकरे गुट खड़ा है। बारामती लोकसभा सीट पर पवार वर्सेस पवार है। एनसीपी शरद चंद्र पवार से सुप्रिया सुले बनाम एनसीपी अजीत पवार गुट से सुनेत्रा पवार की सबसे दिलचस्प टक्कर है। मावल लोकसभा सीट पर शिवसेना ठाकरे गुट से संजोग वाघेरे बनाम शिंदे गुट से श्रीरंग बारने हैं, तो शिरूर लोकसभा सीट पर एनसीपी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार अमोल कोल्हे की टक्कर है अजीत पवार गुट एनसीपी के अधल राव पाटिल से। वहीं पुणे लोकसभा सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय है। कांग्रेस के रविंद्र धांगेकर बीजेपी उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल से टक्कर लेंगे और गणित बिगाड़ने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के वसंत मोरे भी मैदान में हैं। 2019 के चुनावों में एनसीपी ने शिरूर और बारामती दो सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने पुणे और मावल निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा में पार्टियों का विभाजन और अलगाव पूरा गणित पलट चुका है। मैं बूथ का कार्यकर्ता, वहां से सफर शुरू हुआ और आज एक लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी करके मैं खड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसी पार्टी में होता है कि कार्यकर्ता ही यहाँ तक पहुँचता है। दूसरी आपने जो बात बोली कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के समय में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता था उसका अगर हम नींव रखते थे तो 40-40 साल भी उसका उद्घाटन नहीं होता था। पुणे मेट्रो, जो मेट्रो पुनावासियों जो प्रतीक्षा कर रहे थे बहुत सालों से, मुझे लगता है कि यह मोदी जी के गवर्नमेंट ने ये दिखा दिया कि हम अलग कैसे हैं। उनके हाथों से यहाँ पे नींव रखी गई और बाद में उन्हीं के हाथों से यहाँ पे उद्घाटन भी हुआ। मुझे लगता है कि ये साफ दोनों जो पार्टी थी, सरकार थी, गवर्नमेंट थी, ये जो उसमें दोनों में अंतर है ये लोगों ने देखा है। बहुत सी उपलब्धियाँ पुणे में मोदी गवर्नमेंट के माध्यम से हुई है। रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, जायका प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, मेडिकल कॉलेज पुणे के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें मेडिकल कॉलेज दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से यहाँ पे हजारों घर गरीबों के लिए अभी तैयार हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये ध्यान में रखते हुए लोग जो है विकास को, पुणे वासियों जो है वो विकास को मत देते हैं, वो विजन भविष्य जो है हमारा फ्यूचर किसके हाथ में सेफ रहेगा ये सोचते हुए उसको वोट करेंगे। 10 साल में मोदी साहब की सरकार आई, अभी वो आने वाली नहीं है। बात ऐसी है कि नहीं आएगी, बात ऐसी है, मोदी लहर नहीं है, मोदी लहर नहीं है। अभी 10 साल में जो आश्वासन दिया वो पूरा नहीं किया, और आज जो वो कह रहे हैं हम मेट्रो लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेकर आए, कांग्रेस ने क्या किया अब तक? मेट्रो कांग्रेस पक्ष ने लाया देश में, और DPR कांग्रेस पार्टी ने किया, और मेट्रो कांग्रेस पार्टी ने चालू किया, बाद में उनकी सरकार आई वो उसने रन करा, लेकिन 10 साल में अभी तक मेट्रो पूरी हो गई नहीं। आज पुणे में कितना प्रॉब्लम है ट्रैफिक आपको मालूम है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी दिखती है, उसकी सब जिम्मेदारी उनकी है। 10 साल में वो लोग ने कुछ किया नहीं, लेकिन दशकों से तो आप लोगों ने राज किया ना सर, कांग्रेस एनसीपी का वर्चस्व रहा, राज रहा। कांग्रेस ने भारत देशवासियों को रेलवे दिया, टेलीफोन दिया, विमानतल दिया, प्लेन दिया, सब कांग्रेस ने किया। 10 साल में वो लोग ने कुछ नहीं किया, जो हमने किया उसको तुरंत रंगोटी कर रहे अभी, और वो बता रहे विस्तारण किया, ये करा, वो ऐसी बात नहीं, सब लोग को मालूम है वो लोग ने कुछ किया नहीं। आप शिवसेना में रहे, MNS में गए, कांग्रेस में आए, 2019 में भी आप इंतजार कर रहे थे टिकट के लिए, फाइनली आपको टिकट मिला इस बार, तो आपका सफर के बारे में आप बताइए। अब दिल्ली की दौड़ में सीधे संसद जाना है, आज संसद में पुणे पुणे के सब लोग भेजने वाले थे और मैं चुन के आने वाला थे। दम कॉन्फिडेंट है? हाँ, पुणे शहर के लोग मेरे को चुन के देने वाले, मैं पुणे शहर का उम्मीदवार हूँ, पुणे का लोग का उम्मीदवार हूँ। जी बिल्कुल, तो टक्कर नहीं देख रहे हैं आप जमीन पर? टक्कर होने वाली नहीं, देखो आगे क्या होता है। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र पुणे उल्लेखनीय ढंग से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तेजी से शहरीकरण और आर्थिक विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल ही मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई थी, कई खंडों में इसका विकास हो रहा है, और रिवर फ्रंट विकास परियोजनाओं के साथ ही कई ऐसे महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जो कि कतार में हैं। तो राम नाम के साथ ही बीजेपी विकास के अपने इस काम के साथ भी मतदाताओं के बीच जा रही है। पुणे में करीब 25-30% छात्र हैं, इसलिए इसे शिक्षा केंद्र भी कहा जाता है। बड़ी संख्या में दूसरे जिलों से पलायन कर यहाँ पढ़ने और जॉब की तलाश में लोग आते हैं। कहते हैं कि विकास तो हुआ पर जॉब की समस्या अब सता रही है। और
महाराष्ट्र के सबसे प्राचीन और खास गणपति मंदिरों में से एक आप देख रहे हैं, पुणे का ये डब्लू शेट गणपति मंदिर, जहां पर साल भर भक्तों की भीड़ नजर आती है। यही वो मंदिर माना जाता है जहां पर गणपति भगवान संपूर्ण रूप में दर्शन देते हैं भक्तों को, ऐसा कहा जाता है। और यहां पर कुछ लोग इकट्ठे हैं, चलिए चुनावी माहौल हम इनसे भी समझते हैं। कुछ युवा हैं हमारे साथ, क्या चुनावी माहौल है यहाँ पर, लोकसभा चुनाव को लेकर कितने उत्साहित है आप लोग? तो यहाँ कैसा है, रविंद्र भाव दंगेकर जो यहाँ के स्थानीय कांग्रेस के, तो उनका आप एक काम सबको ठीक है बोले तो विधायक के तौर पे कस्बा में उन्होंने काम किया, ऐसा किया है। गरीब जनता हो, पढ़े वाले बच्चे हो, तो हर एक का बोले तो बूढ़े नागरिक हो, तो उन्होंने हर एक का सबका काम किया है, तो रविंद्र के घर आ सकते हैं। जॉब्स को लेकर क्या हलचल है, जॉब्स अवेलेबल हैं, प्लेसमेंट्स को लेकर, क्योंकि इतनी हलचल चल रही है कि जॉब कट्स हो रहे हैं, प्लेसमेंट आसानी से नहीं हो रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे जॉब का प्रॉब्लम है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं है, प्राइवेट में वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही सब चालू है, परमानेंट के लिए कोई नहीं है। पुणे अगर माइग्रेट होके लोग आ रहे हैं यहाँ पर, पुणे में जॉब है क्या आप लोगों के लिए? ज्यादा तो जॉब करते हैं, एमपीएससी करता हूँ मैं। अच्छा, क्या जॉब की क्या समस्या आप यहाँ पर देख रहे हैं? टाइम से एग्जाम नहीं हो रही है, वही प्रॉब्लम है, टाइम से एग्जाम नहीं है, बाद में से एग्जाम। जॉब तो है मैम, लेकिन ज्यादातर आईटी में सेक्टर में कम हो रहा है, मार्केटिंग ज्यादा अभी कर रहे हैं लोग, मार्केटिंग में भी टफ हो रहे हैं, मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं आईटी से, आईटी सेक्टर। तो अभी मैं अभी जॉब में देख रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे मिला है जॉब, लेकिन मुझे मार्केटिंग फील्ड में मिला है, लेकिन मार्केटिंग फील्ड से अभी मार्केट में जा रहे हो तो लोग क्या वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है? वैकेंसीज है लेकिन अभी एक्सपीरियंस देख रहे हैं, फ्रेशर के लिए जगह नहीं है, अभी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जैसे कि लगभग तीन साल के ऊपर ही देख रहे हैं एक्सपीरियंस। आप लोग पुणे से ही है, चुनाव को लेकर क्या सोच चल रही है पुणे में? अभी तक जो लोग कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे का बुरा समझ रहे हैं, उसी हिसाब से चलेंगे, जिसका अच्छा क्या है उसी तरफ चलेंगे। हमारे दौरे में एक बात समझ में आ रही थी कि बहुत बड़ा भार एक पुणे में भी बढ़ रहा है, क्योंकि माइग्रेट हो रहे हैं काफी लोग रोजगार के लिए, तो क्या उनमें से आप भी एक हैं जिनको आपकी जगह पर रोजगार नहीं मिला और आप पुणे रोजगार के लिए आई हैं, तो किस तरह से ये पलायन हो रहा है उसके बारे में भी आप बताएं। महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि पुणे, मुंबई, नागपुर, सोलापुर। सो वैसे आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में सोचे तो मुझे लगता है ठीक ही है महाराष्ट्र में। जॉब्स प्लेसमेंट कैसी है, क्या हाल है? कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग खड़े थे जॉब के लिए, क्या हालात है यहाँ पे जॉब्स के? हाँ, वो तो है, जॉब्स को लेकर थोड़ी परेशानी बढ़ रही है अभी। अभी जो रिसेंट पास आउट हुए हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, यू नो, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ कि इस चुनाव में वो उस सारे चीज़ों के बारे में भी सोचें। पुणे और पड़ोसी की दो सीटें शिरूर और मावल में 13 मई यानी के चौथे फेज में मतदान होना है, तो वहीं बारामती सीट पर 7 मई यानी कि तीसरे फेज में मतदान होगा। कभी कांग्रेस और एनसीपी के वर्चस्व वाले पुणे में मोदी लहर के बाद गणित बदले हैं, समीकरण बदले हैं, अब पुणे जिले के चारों सीटों पर पार्टी में टूट फूट के बाद क्या असर दिखता है देखना होगा। पुणे से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।